वेलकम बैक टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल है, क्योंकि आज हम जानेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स क्या है? बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ। बर्ड्स जो हैं हर जगह फाउंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो अदर कंट्री में नहीं है, हर जगह फाउंड होते हैं, एवरीवेयर। और बर्ड जो हैं एक जैसे नहीं दिखते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। बर्ड्स का जो शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है दूसरे बर्ड से। तो आज हम उन्हीं सब बर्ड्स के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे बर्ड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स, जैसे अभी मैंने बताया कि बर्ड्स एक मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर है हमारे अर्थ के लिए, और ये हर जगह मिलते हैं। और ये जो बर्ड हैं एक तरीके के नहीं दिखते हैं। उनके जो शेप होते हैं, साइज होते हैं, कलर होता है, ये सब दूसरे बर्ड से डिफरेंट होता है। तो अब आगे क्या है कि बर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें फ्लाइंग बर्ड, जो इस पिक्चर में मैं दिखाई हूँ फ्लाइंग बर्ड, तो बर्ड्स का सारे स्ट्रक्चर पता है, फेदर कहाँ है, क्लॉस कहाँ है, बीक, आईज, ठीक है। हाँ, एक मिनट, सबसे पहली बात, जो बर्ड का आई होता है अधिकतर हम लोग कहाँ होता है, हेड के ऊपर होता है, ठीक है। और जो इसका ईयर होता है हम लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि टाइनी होल वहाँ पे रहता है, एक छोटा सा होल रहता है जो फेदर से ढका हुआ होता है, जिसके वजह से हम लोग बर्ड का ईयर नहीं देख पाते हैं। और ये क्या है, फेदर है, क्लॉज है, इससे क्या करती है, अपना शिकार को पकड़ लेती है, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा को। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग कुछ बर्ड्स के बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले बर्ड ये क्या है, लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन को खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह बर्ड को भी खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक लिविंग बींग्स हैं। और जिस तरह फूड सर्वाइव करता है ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए, उसी तरह बर्ड को भी हेल्प करता है। तो बर्ड का बारे में और जानते हैं कि इनका जो टीथ होता है, इनके पास कोई टीथ नहीं होता है। दे डू नॉट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स टू च्यूइंग द फूड, ठीक है। इनका टीथ नहीं होता है जैसे दूसरे एनिमल का टीथ होता है जिसको वो खाना चबा के खाते हैं, ह्यूमन का टीथ होता है जिसको वो चबा के खाते हैं, लेकिन ये बर्ड का जो है टीथ नहीं होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसका बेक और क्लॉज होता है। बेक मीन्स चोंच और क्लॉज, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लॉज का क्या काम करती है, ये कैच करती है फूड को, या फिर कोई छोटा मोटा इंसेक्ट्स होता है, या फिर अपने खाने के लिए फूड को कैच करती है, किससे, क्लॉज से, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दे यूज देयर बीक्स टू ईट फूड एंड मेक द नेस्ट। बीक से क्या करती है, अपना खाना खाती है और अपने नेस्ट को उसी से बनाती है। नाउ सम बर्ड्स ईट फ्लैश, कोई बर्ड जो होती है जो मांसाहारी होती है, और कोई बर्ड जो होती है ग्रेन्स खाती है, जैसे फ्रूट एंड सीड, क्लियर है। और बर्ड हैव विंग्स फेदर्स टू हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड कैसे फ्लाई करती है, अपने फेदर के थ्रू। अब आपको पता है कि फेदर भी कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ फेदर, डिड यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेदर, यस। तो आज हम लोग उसी फेदर्स के बारे में जानेंगे। तो बर्ड के 3 फेदर्स होते हैं, हाउ मेनी फेदर, 3 काइंड्स ऑफ फेदर। चलिए उसके इमेज देखते हैं। देखिए ये है डाउन फेदर, फर्स्ट वन इज डाउन फेदर, सेकेंड वन इज बॉडी फेदर, एंड थर्ड वन इज फ्लाइट फेदर। क्लियर इमेज दिख रहा है। चलिए डाउन फेदर के बारे में हम जानेंगे कि डाउन फेदर क्या होता है। डाउन फेदर वो फेदर है जिसमें कीप अ बर्ड वॉर्म, इसमें क्या करेगा, जो बर्ड का
बॉडी है उसको क्या करेगा, वार्म करेगा। एंड दिस फेदर आर शॉर्ट एंड फली, ये बहुत छोटा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज द बॉडी फेदर, ये बॉडी फेदर जो है कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स का जो बॉडी को कवर करता है एंड उसको शेप देता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज फ्लाइट फेदर, फ्लाइट फेदर क्या होता है, ये फ्लाइट फेदर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड, ये कहाँ पे, टेल के पास उसको देखा जा सकता है और विंग्स के पास, ठीक है। एंड दे हेल्प देम टू फ्लाई, ये इसका काम करता है उड़ने में, ये है फ्लाइट फेदर, ये देखिए ना, देख पा रहे हैं ना, इसको बोलेंगे फ्लाइट फेदर, क्लियर है। ये इसका काम क्या करता है, उड़ने में काम करता है। आई रिपीट द थ्री काइंड्स ऑफ फेदर, डाउन फेदर, बॉडी फेदर एंड फ्लाइट फेदर। डाउन फेदर क्या करता है, बॉडी को वार्म रखता है और वो बहुत छोटा होता है और फली होता है, मीन सॉफ्ट होता है। और बॉडी फेदर जो है वो बॉडी को क्या करता है, सॉरी हाँ यस, बॉडी फेदर जो है वो बॉडी को कवर करता है। यहाँ पे बॉडी ही नाम आ रहा है तो सिंपल है कि आपको याद करने में ज़्यादा ये देर भी नहीं लगेगा। बॉडी फेदर मीन्स बॉडी को वो कवर करता है, उसको वो शेप देता है, ठीक है, जिसको पंख होता है ना पतला पतला। एंड द फ्लाइट फेदर क्या काम करता है, उसको उड़ने में हेल्प करता है, जैसे अभी हम लोग देखें, क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में, हम लोग जानेंगे कि ये बर्ड फ्लाई करता कैसे। जैसे ये देख पा रहे हैं ये पिक्चर जो है फ्लाइंग बर्ड का ही है, तो अब ये बर्ड फ्लाई कैसे करता है। बर्ड है बोट सेप बॉडी, ये जो बर्ड का है ये बोट सेप बॉडी होता है जो हेल्प करता है कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई ईजी, वो इसको हेल्प करता है एयर से पास करके एकदम ईजली फ्लाई करने में। यस, तो इसका बॉडी कैसा होता है, बोट सेप्ड बॉडी कहलाता है, ठीक है। और जो इसका बोन होता है बहुत ही हॉलो एंड लाइट बट स्ट्रॉन्ग, खोखला होता है और हल्का होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका जो विंग्स है इंस्टीड ऑफ आर्म्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, इसका विंग जो है हेल्प करता है फ्लाई करने में। एंड द टेल ऑफ बर्ड हेल्प देम चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग, जो इसका टेल है, इस टेल का काम क्या होता है, इस टेल का काम क्या होता है, बर्ड को हेल्प करता है डायरेक्शन को चेंज करने में, क्लियर है। जब वो फ्लाई करेगी तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग कुछ बर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन बर्ड कितना दूर तक डिस्टेंस को कवर करती है, कौन शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सम बर्ड्स लाइक सॉलो, चलिए हम लोग सॉलो बर्ड का भी पिक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए, ये है सॉलो बर्ड, ये सॉलो बर्ड एंड क्रेन्स फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये बहुत दूर तक डिस्टेंस को फ्लाई करती है। बर्ड्स लाइक हैन एंड पिकॉक कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, जो बर्ड हैन जैसे पिकॉक ये सब जो बर्ड हैं वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस को फ्लाई करती है, कवर करती हैं। अब ईगल एंड वल्चर के बारे में जान लें, ये तो हम लोग जानते हैं ईगल और वल्चर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले फ्लाई करते हैं और उनका जो देखने का नज़रिया होता है 8 मीटर की दूरी से वो देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन 2 मीटर ही तक वो देख सकता है, ठीक है। एंड सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच और कीवी जो है कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, कीवी ऑस्ट्रिच ये जो बर्ड है वो फ्लाई नहीं करती हैं, क्लियर है। और जो ह्यूमिंग बर्ड हैं उस वो सबसे छोटा बर्ड कौन है, ह्यूमिंग बर्ड, वो ह्यूमिंग बर्ड सीधा नहीं फ्लाई करती है, वो कैसे बैकवर्ड फ्लाई करती हैं, इट्स अ वेरी मेन पॉइंट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन बर्ड बैकवर्ड फ्लाई करती है, द आंसर है ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है। ऐसा भी बर्ड है जो बैकवर्ड फ्लाई करती है, बहुत अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि बर्ड तो कभी बैकवर्ड फ्लाई नहीं करती है, वो तो हमेशा सीधे फ्लाई करती है, तो नहीं, ह्यूमिंग बर्ड जो है वो बैकवर्ड फ्लाई करती है, क्लियर है। आई रिपीट सम बर्ड्स लाइक सॉलो एंड क्रेन्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो फॉलो करता है, फ्लाई करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में हैन एंड पिकॉक फ्लाई करता है, और ईगल और वल्चर जो है बहुत ही डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं और प्लस उनका जो देखते हैं 8 मीटर तक वो देख सकते हैं, और ऑस्ट्रिच और कीवी हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। कौन बर्ड जो फ्लाई नहीं करते, तो ऑस्ट्रिच और कीवी नहीं फ्लाई करते हैं,
और ह्यूमिंग बर्ड जो है वो बैकवर्ड फ्लाई करते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम लोग फीट एंड क्रॉस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जो क्रो है, स्पैरो है, तो उनका क्लॉज कैसा होगा? स्लेंडर होगा, ठीक है। वो क्या चीज़ हेल्प करते हैं? क्रो और स्पैरो का जो क्लॉज होता है, जो पैर जिसको बोलेंगे, उसको क्या हेल्प करता है? होल्ड ऑन टू द ब्रांच ऑफ ट्री, अगर किसी भी पेड़ पे बैठा है तो उसको होल्ड करना, ठीक है। और स्ट्रेचिंग बॉड लाइक हैंड पिकअप, जो हैन हुआ, पिकॉक हुआ, स्क्रैच करता है अपने नाखूनों से, वो स्क्रैच कर देता है ग्राउंड को, ठीक है। और स्विमिंग बर्ड, जैसे जो बर्ड जो स्विम करते हैं, जैसे डक हुआ, ये इसका जो फीट होता है, पैर होता है, वेब्ड होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसको स्विम करने में ईजी होगा। क्लियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रो का एंड स्पैरो का स्लेंडर होता है, स्लेंडर क्लॉज होता है जो कि होल्ड करता है ब्रांच और ट्री को। सेकंड, पिकॉक और हैन का क्या होता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी, स्क्रैच करता है अपने नाखूनों से, स्क्रैच कर लेता है ग्राउंड को। और जो स्विमिंग बर्ड जो होता है, डक होता है, उसका क्या होता है? वेब्ड होता है, WEBED, वेब्ड, वेब फीट होता है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ हम लोग नेस्ट के बारे में जान लेते हैं, मीन्स उनके घोंसले को जान लेते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बर्ड जो है वो अपने घोंसले में ही एग देती हैं। बर्ड जो है, जितने भी बर्ड है, वो सिर्फ लेज एग, अंडे ही देती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके कान भी नहीं दिखते और उनके बॉडी में हेयर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेस्ट फॉर सम बर्ड्स के बारे में देखेंगे। नेस्ट का, जैसे बुलबुल बिल्ट इट्स नेस्ट इन बसेस, बुलबुल जो है नेस्ट क्या कहाँ करेगी? बूसेस में, ठीक है। टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प नेटर लाइक बीक टू स्टिच इट्स नेस्ट, वुड पिकर मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री टू मेक दिस नेस्ट। वुड पिकर क्या काम करता है? ट्री में उससे क्या करता है? अपने नोखिले पीक से क्या करता है? उसको ट्रंक से ट्री पे नेस्ट बनाता है, होल करता है, ठीक है। कुकू डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट, कुकू एक बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। और जो कोयल है, अपना ले अंडा क्रो के नेस्ट में डालती है और क्रो उसके अंडे को देखभाल करता है, ठीक है। और जो कोयल का अंडा होता है, क्रो के अंडे से छोटा होता है, ठीक है, इसलिए उसको पता नहीं चलता है। और पेंगुइन मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, पेंगुइन जो है अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाती है, क्लियर। और आगे एक रॉबिन बर्ड है जो कि अंडा वो रोड के बीच में देता है, ठीक है, किसी पत्थर के बीच में, जो आउटसाइड द रोड, क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग बर्ड के बारे में बहुत कुछ जाने हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो बर्ड्स के बारे में जान के, और ये आप लोग के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। और बच्चों लोग के लिए भी बर्ड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी हम लोग जान गए सारे बर्ड्स के बारे में, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बर्ड का कोई टीथ नहीं होता है, एनिमल का टीथ होता है, लेकिन बर्ड का कोई टीथ नहीं होता है, वो अपने बीक से ही खाती है। उनका क्लॉज होता है, और कितने फेदर होते हैं? 3 टाइप के फेदर्स होते हैं, डाउन बॉडी एंड फ्लाइट फेदर होता है। बर्ड कैसे फ्लाइट करेगी? तो बोट शेप बॉडी होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो।